जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये कि दोस्तों BSF एयरविंग स्टोरमैन का रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आ गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पहले ही 2 मंथ पहले आज से बता दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 जनवरी को होने वाला है। तो आज दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं और एडमिट कार्ड में भी 16 जनवरी डेट आ गई है। आपका एग्ज़ाम 16 जनवरी को होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से डाउनलोड होगा, डाउनलोड करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो जानकारी हम अपने इस चैनल पर देते हैं वो सही देते हैं। जो डेट मैंने आपको 2 मंथ पहले बताई थी दोस्तों, वो आज कन्फर्म हो चुकी है। एडमिट कार्ड पर जो डेट आई है वो 16 जनवरी आई है। तो 16 जनवरी को दोस्तों स्टोरमैन का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड का प्रोसेस है डाउनलोड करने का किस तरीके से, जो प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बताऊँगा स्क्रीन पर, आप उसको जो है उसको फॉलो करना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है BSF की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर मैंने सर्किल किया है, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है। तो इस कैंडिडेट लॉगिन पर दोस्तों आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है अपना ईमेल आईडी, जो आपने फॉर्म भरते समय अपनी ईमेल आईडी फॉर्म में डाली थी उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंटर पासवर्ड, पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद इस पर दोस्तों आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं, अपना आपको जो है पासवर्ड नहीं पता है, तो आपको इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, तो आपका जो पासवर्ड है वो दोबारा बन जाएगा। तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये BSF का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आपको जो है क्लोज कर देना। यहाँ पर डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, प्रोफाइल अपडेट देखने को मिलेगी। तो इसी के नीचे दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जानकारी देखने को मिलेगी, आपका जो फॉर्म है वो कब भरा गया था, कौन से साल में, किस पोस्ट का है। तो ये BSF एयरविंग कॉन्स्टेबल स्टोरमैन का, तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एक एक्शन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इस एक्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने फिर से एक और ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ बी पोस्ट डिटेल, प्रिंट पोस्ट डिटेल, प्रिंट एडमिट कार्ड। तो आपको यदि अपना प्रिंट जो डाउनलोड करना है, जो अपने फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो आपको उस पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, तो सिंपल आपको इस एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कॉन्स्टेबल स्टोरमैन का दोस्तों एडमिट कार्ड है, और सेकंड फेज के लिए आया है। रिटर्न एग्जाम होगा आपका सेकंड फेज में, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों ये जो प्रोसेस था आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और लगातार जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए, आप जो है कह रहे थे कि आप जो है इंस्टाग्राम पर नहीं हैं, तो आप सभी के लिए आज इंस्टाग्राम अकाउंट भी ओपन कर लिया गया है, तो आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगातार हम आपको जो है अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।